एस वर्मा इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर का न्यूमेरिकल 57, फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर शोन इन फिगर। तो इस तरह की एक फिगर दी हुई है और हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो बैटरी होगी, बैटरी से करंट चला जाएगा यहां तक तो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चार्ज जो होगा वो चार्ज डिपॉजिट होगा, फुल्ली चार्ज जब स्टोर होगा फिर उसके बाद यहाँ पे इससे तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट तो इसी पाथ से चला जाएगा, करंट इसी पाथ में चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ वो चार्ज डिपॉजिट हो गए, वहां पे जितना पॉजिटिव इस प्लेट पे उतना नेगेटिव इंड्यूस हो गया अनदर प्लेट पे, और वो चार्ज होगा, वो चार्ज कितना होगा यही फाइंड करना है हमें। क्यू इज इक्वल टू होता है सी इंटू वी, सी की वैल्यू दी है 6 माइक्रो फेराड। अब ये वी पर वी कितना होगा, मतलब ये जो कैपेसिटर जिस पॉइंट के यहाँ पे बीच में कनेक्ट किया हुआ है उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब इन शॉर्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम कितना होगा ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में ही किया था कि ये 2 वोल्ट बैटरी है तो वो आर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस वो डिपेंड रहेगा आर, क्योंकि वी इज इक्वल होता है आई आर, मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू रहेगा आर वन अपॉन आर टू, और आर वन की वैल्यू 10 और ये 20, मतलब ये 1:2 रेशो में ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। मतलब इसके तीन पार्ट करने पड़ेंगे, ये जो वी है उसके तीन पार्ट करने पड़ेंगे, तीन में से एक पार्ट यहाँ पे और दो पार्ट यहाँ पे रहेगा, मतलब ये टू जो है उसके थ्री पार्ट करेंगे तो उसका एक पार्ट मतलब 2/3 ये रहेगा वी वन, और वी टू रहेगा इसका दो पार्ट, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 2/3 वोल्ट, तो वी वन रहेगा 2/3। अब हमें चार्ज फाइंड करना है इसके अक्रॉस, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी की वैल्यू 6 माइक्रो फैरड, माइक्रो फैरड मतलब 10^-6 इंटू वी। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस वी वन कितना आ गया 2/3 वोल्ट, 3 × 2 = 6, तो चार्ज कितना आएगा 4×10^-6 कूलम, या इसे ही लिखेंगे हम 4 माइक्रो कूलम।